मंगलाचरण तथा अग्नि और वशिष्ठ के संवाद रूप से अग्नि पुराण का आरंभ। लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, महादेव जी, ब्रह्मा, अग्नि, इंद्र आदि देवताओं तथा भगवान वासुदेव को मैं नमस्कार करता हूं। नैमिषारण्य की बात है। शौनक आदि ऋषि यज्ञों द्वारा भगवान विष्णु का यजन कर रहे थे। उस समय वहां तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सूत जी पधारे। महर्षियों ने उनका स्वागत सत्कार करके कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप हमारी पूजा स्वीकार करके हमें वो सार से भी सारभूत तत्व बतलाने की कृपा करें जिसके जान लेने मात्र से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। सूत जी ने कहा, ऋषियों, भगवान विष्णु ही सार से भी सार तत्व हैं। वे सृष्टि और पालन आदि के कर्ता और सर्वत्र व्यापक हैं। वो विष्णु स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूं। इस प्रकार उन्हें जान लेने पर सर्वज्ञता प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म दो स्वरूप जानने के योग्य हैं, शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म। दो विद्याएं भी जानने के योग्य हैं, अपराविद्या और पराविद्या। ये अथर्ववेद की श्रुति का कथन है। एक समय की बात है, मैं, शुकदेव जी तथा पैल आदि ऋषि बद्रिका आश्रम को गए और वहां व्यास जी को नमस्कार करके हमने प्रश्न किया। तब उन्होंने हमें सार तत्व का उपदेश देना आरंभ किया। व्यास जी बोले, सुत, तुम शुक आदि साथ सुनो। एक समय मुनियों के साथ मैंने महर्षि वशिष्ठ से सारभूत परात्पर ब्रह्म के विषय में पूछा था। उस समय उन्होंने मुझे जैसा उपदेश दिया था वही तुम्हें बतला रहा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा, व्यास, मैं सर्वांतर्यामी ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, मैं उन्हें बताता हूं, सुनो। पूर्व काल में ऋषि मुनि तथा देवताओं सहित मुझसे अग्निदेव ने इस विषय में जैसा जो कुछ भी कहा था वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। अग्नि पुराण सर्वोत्कृष्ट है। इसका एक एक अक्षर ब्रह्म विद्या है, अतः यह परम ब्रह्म स्वरूप है। ऋग्वेद आदि संपूर्ण वेद शास्त्र अपर ब्रह्म है। पर ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण संपूर्ण देवताओं के लिए परम सुखद है। अग्नि देव द्वारा जिसका कथन हुआ है वो आग्नेय पुराण वेदों के सर्व तुल्य सर्वमान्य है। ये पवित्र पुराण अपने पाठकों और श्रोताजनों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। भगवान विष्णु ही कालाग्नि रूप से विराजमान है। वे ही ज्योतिर्मय परात्पर पर ब्रह्म है। ज्ञान योग तथा कर्म योग द्वारा उन्हीं का पूजन होता है। एक दिन उन विष्णु स्वरूप अग्निदेव से मुनियों सहित मैंने इस प्रकार प्रश्न किया। वशिष्ठ जी ने पूछा, अग्निदेव, संसार सागर से पार लगाने के लिए नौका रूप परमेश्वर ब्रह्म के स्वरूप का वर्णन कीजिए और संपूर्ण विद्याओं के सारभूत उस विद्या का उपदेश दीजिए जिसे जानकर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही कालाग्नि रुद्र कहलाता हूं। मैं तुम्हें संपूर्ण विद्याओं की सारभूत अविद्या का उपदेश देता हूं जिसे अग्नि पुराण कहते हैं। वही सब विद्याओं का सार है, वो परम ब्रह्म स्वरूप है। सर्वमय एवं सर्व कारण भूत ब्रह्म उससे भिन्न नहीं है। उसमें सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित आदि का तथा मत्स्य कूर्म आदि रूप धारण करने वाले भगवान का वर्णन है। ब्रह्मन, भगवान विष्णु की स्वरूप भूता दो विद्याएं हैं, एक परा और दूसरी अपरा। ऋक, यजुः, साम और अथर्व नामक वेद वेद के छहो अंग, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद शास्त्र तथा मीमांसा, धर्मशास्त्र, पुराण, न्याय, वैदिक, आयुर्वेद, गांधर्व वेद, संगीत, धनुर्वेद और अर्थशास्त्र, ये सब अपरा विद्या है तथा पराविद्या वो है जिससे इस अदृश्य, अग्राह्य, ग्रोतर रहित, चरण रहित, नित्य, अविनाशी ब्रह्म का बोध हो। इस अग्नि पुराण को पराविद्या समझो। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने मुझसे तथा ब्रह्मा जी ने देवताओं से जिस प्रकार वर्णन किया था उसी प्रकार मैं भी तुमसे मत्स्य आदि अवतार धारण करने वाले जगत कारण भूत परमेश्वर का प्रतिपादन करूंगा। मत्स्यावतार की कथा। वशिष्ठ जी ने कहा, अग्निदेव,
आप सृष्टि आदि के कारणभूत भगवान विष्णु के मत्स्य आदि अवतारों का वर्णन कीजिए, साथ ही ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण को भी सुनाइए, जिसे पूर्व काल में आपने श्री विष्णु भगवान के मुख से सुना था। अग्निदेव बोले, वशिष्ठ सुनो, मैं श्रीहरि के मत्स्यावतार का वर्णन करता हूँ। अवतार धारण का कार्य दुष्टों के विनाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा के लिए होता है। बीते हुए कल्प के अंत में ब्राह्म नामक नैमित्तिक प्रलय हुआ था। मुने उस समय भू आदि लोक समुद्र के जल में डूब गए थे। प्रलय के पहले की बात है। व्यवस्थ मनुभोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे कृतमाला नदी से जल से पितरों का तर्पण कर रहे थे, उनकी अंजलि के जल में एक बहुत छोटा सा मत्स्य आ गया। राजा ने उसे जल में फेंक देने का विचार किया। तब मत्स्य ने कहा, महाराज मुझे जल में ना फेंको, यहाँ ग्राही आदि जल जंतुओं से मुझे भय है। ये सुनकर मनु ने उसे अपने कलश के जल में डाल दिया। मत्स्य उसमें पड़ते ही बड़ा हो गया और पुनः मनु से बोला, राजन मुझे इससे बड़ा स्थान दो। उसकी ये बात सुनकर राजा ने उसे एक बड़े जलपात्र नाद या कुंडा आदि में डाल दिया। उसमें भी बड़ा होकर मत्स्य राजा से बोला, मनो मुझे कोई विस्तृत स्थान दो। तब उन्होंने पुनः उसे सरोवर के जल में डाला, किंतु वहां भी बढ़कर वो सरोवर के बराबर हो गया और बोला, मुझे इससे बड़ा स्थान दो। तब मनु ने उसे फिर समुद्र में ही ले जाकर डाल दिया। वहां वो मत्स्य क्षण भर में 1,00,000 योजन बड़ा हो गया। उस अद्युत मत्स्य को देखकर मनु को बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले, आप कौन हैं? निश्चय ही आप भगवान श्री विष्णु जान पड़ते हैं। नारायण आपको नमस्कार है। जनार्दन आप किस लिए अपनी माया से मुझे मोहित कर रहे हैं? मनु के ऐसा कहने पर सबके पालन में संलग्न रहने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान उनसे बोले, राजन मैं दुष्टों का नाश और जगत की रक्षा करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूं। आज से 7वें दिन समुद्र संपूर्ण जगत को डुबो देगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका उपस्थित होगी, तुम उस पर सब प्रकार के बीज आदि रखकर बैठ जाना। सप्तर्षि भी तुम्हारे साथ रहेंगे। जब तक ब्रह्मा की रात रहेगी तब तक तुम उसी नाव पर विचरते रहोगे। नाव आने के बाद मैं भी इसी रूप में उपस्थित होऊंगा। उस समय तुम मेरे सिंह में महासर्पमयी रस्सी से उस नाव को बांध देना। ऐसा कहकर भगवान मत्स्य अंतर्धान हो गए और व्यवस्थ मनु उनके बताए हुए समय की प्रतीक्षा करते हुए वहीं रहने लगे। जब नियत समय पर समुद्र अपनी सीमा लांघ कर बढ़ने लगा, तब वे पूर्वोक्त नौका पर बैठ गए। उसी समय एक सिंह धारण करने वाले सुवर्णमय मत्स्य भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उनका विशाल शरीर 10,00,000 योजन लंबा था। उनके सिंह में नाव बांधकर राजा ने उनसे मत्स्य नामक पुराण का श्रवण किया, जो सब पापों का नाश करने वाला है। मनु भगवान मत्स्य की नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा स्तुति भी करते थे। प्रलय के अंत में ब्रह्मा जी से वेद को हर लेने वाले हयग्रीव नामक दानव का वध करके भगवान ने वेद मंत्र आदि की रक्षा की। तत्पश्चात वाराह कल्प आने पर श्रीहरि ने कच्छप रूप धारण किया। समुद्र मंथन, कूर्म तथा मोहिनी अवतार की कथा। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ अब मैं कुरुमावतार का वर्णन करूंगा। ये सुनने पर सब पापों का नाश हो जाता है। पूर्व काल की बात है। देवासुर संग्राम में दैत्यों ने देवताओं को परास्त कर दिया। वे दुर्वासा के शाप से भी लक्ष्मी से रहित हो गए थे। तब संपूर्ण देवता क्षीरसागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु के पास जाकर बोले, भगवान आप देवताओं की रक्षा कीजिए। ये सुनकर श्रीहरि ने ब्रह्म आदि देवताओं से कहा, देवगण तुम लोग क्षीर समुद्र को मथने, अमृत प्राप्त करने और लक्ष्मी को पाने के लिए असुरों से संधि कर लो। कोई बड़ा काम या भारी प्रयोजन आ पड़ने पर शत्रुओं से भी संधि कर लेनी चाहिए। मैं तुम लोगों को अमृत का भागी बनाऊंगा और दैत्यों को उससे वंचित रखूंगा। मंदराचल को मथानी और वासुकी नाग को नेति बनाकर आलस्य रहित हो मेरी सहायता से तुम लोग क्षीर सागर का मंथन करो। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर देवता दैत्यों के साथ संधि करके क्षीर समुद्र पर आए। फिर तो उन्होंने एक साथ मिलकर समुद्र मंथन आरंभ किया। जिस ओर वासुकी नाग की पूंछ थी
उसी ओर देवता खड़े थे। दानव वासुकी नाग के निश्वास से क्षीण हो रहे थे और देवताओं को भगवान अपनी कृपा दृष्टि से परिपुष्ट कर रहे थे। समुद्र मंथन आरंभ होने पर कोई आधार न मिलने से मंदराचल पर्वत समुद्र में डूब गया। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण करके मंदराचल को अपनी पीठ पर रख लिया। फिर जब समुद्र मथा जाने लगा तो उसके भीतर से हलाहल विष प्रकट हुआ। उसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इससे कंठ में काला दाग पड़ जाने के कारण वे नीलकंठ नाम से प्रसिद्ध हुए। तत्पश्चात समुद्र से वारुणी देवी, पारिजात वृक्ष, कौस्तुभ मणि, गौवें तथा दिव्य अप्सराएं प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव हुआ। वे भगवान विष्णु को प्राप्त हुई। संपूर्ण देवताओं ने उनका दर्शन और स्तवन किया। इससे वे लक्ष्मीवान हो गए। तदनंतर भगवान विष्णु के अंशभूत धन्वंतरी, जो आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, हाथ में अमृत से भरा हुआ कलश लिए प्रकट हुए। दैत्यों ने उनके हाथ से अमृत छीन लिया और उसमें से आधा देवताओं को देकर वे सब चलते बने। उनमें जंभ आदि दैत्य प्रधान थे। उन्हें जाते देख भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया। उस रूपवती स्त्री को देखकर दैत्य मोहित हो गए और बोले, सुमुखी, तुम हमारी भारिया हो जाओ और ये अमृत लेकर हमें पिलाओ। बहुत अच्छा कहकर भगवान ने उनके हाथ से अमृत ले लिया और उसे देवताओं को पिला दिया। उस समय राहु चंद्रमा का रूप धारण करके अमृत पीने लगा। तब सूर्य और चंद्रमा ने उसके कपट वेश को प्रकट कर दिया। ये देख भगवान श्री हरि ने चक्र से उसका मस्तक काट डाला। उसका सिर अलग हो गया और भुजाओं सहित धड़ अलग रह गया। फिर भगवान को दया आई और उन्होंने राहु को अमर बना दिया। तब ग्रह स्वरूप राहु ने भगवान श्री हरि से कहा, इन सूर्य और चंद्रमा को मेरे द्वारा अनेकों बार ग्रहण लगेगा। उस समय संसार के लोग जो कुछ दान करें वो सब अक्षय हो। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर संपूर्ण देवताओं के साथ राहु की बात का अनुमोदन किया। इसके बाद भगवान ने स्त्री रूप त्याग दिया, किंतु महादेव जी को भगवान के उस रूप का पुनर्दर्शन करने की इच्छा हुई। अतः उन्होंने अनुरोध किया, भगवान, आप अपने स्त्री रूप का मुझे दर्शन करावें। महादेव जी की प्रार्थना से भगवान श्री हरि ने उन्हें अपने स्त्री रूप का दर्शन कराया। वे भगवान की माया से ऐसे मोहित हो गए कि पार्वती जी को त्याग कर उस स्त्री के पीछे लग गए। उन्होंने नग्न और उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़ाकर वहां से चल दी। उसे जाती देख महादेव जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय पृथ्वी पर जहां वहां भगवान शंकर का वीर्य गिरा, वहां वहां शिवलिंगों का क्षेत्र एवं सुवर्ण की खाने हो गई। तत्पश्चात ये माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तब भगवान श्री हरि ने प्रकट होकर शिवजी से कहा, रुद्र, तुमने मेरी माया को जीत लिया। पृथ्वी पर तुम्हारे सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो मेरी इस माया को जीत सके। भगवान के प्रयत्न से दैत्यों को अमृत नहीं मिलने पाया, अतः देवताओं ने उन्हें युद्ध में मार गिराया। फिर देवता स्वर्ग में विराजमान हुए और दैत्य लोक पाताल में रहने लगे। जो मनुष्य देवताओं की इस विजय गाथा का पाठ करता है वो स्वर्गलोक में जाता है।